हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सके। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड सारी वीडियोज मिलती रहती हैं। और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करने का? अभी आपका पैर कहाँ होना चाहिए था और कहाँ है? इन गड्ढों में गाड़ी कूद रही, और पैर कहाँ होना चाहिए था वो, और कहाँ था? क्यों? अभी जब आपके चाचा चला के लेके गए थे तो गड्ढों में कहाँ पे उनका पैर था? गाड़ी इस तरीके से कूद रही थी जैसे अभी तुम्हारे से कूद रही है। भाई जब खड्डे आ रहे हैं उससे पहले ब्रेक पे पैर आ जाना चाहिए। ब्रेक लगाना ना लगाना एक अलग मैटर है, पैर होना जरूरी है। और अगर गड्ढों में एक्सीलेटर लोगे तो गाड़ी कूदेगी, संभलेगी नहीं। जहाँ पे भी गड्ढे लगे वहां तुरंत ब्रेक पे पैर आ जाना चाहिए। इन सब रोडों पे रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला है ना, गड्ढे काफी बड़े बड़े हैं। स्पीड कम रखोगे तो अच्छे से चला, भगाने का कोई फायदा ही नहीं है। जहाँ पे रास्ता क्लियर है वहां पे चलाओ, कोई इशू नहीं। जहाँ पे गड्ढे हैं तेज चलाना कमाल है या स्लो? फिर जिसने स्लो चलाना संभाल ली, गाड़ी को रोकना और बढ़ाना पहले दूसरे गियर में गाड़ी को चलाना सीख लिया, समझ लो वो हाईवे पे और हर जगह चला सकता है। तेज में तो क्या है, आपने फिफ्थ गियर डाल दिया, आपको 100 किलोमीटर तक कहीं गियर ही नहीं बदलना। यमुना एक्सप्रेस पे चले जाओ 200 किलोमीटर तक, लखनऊ से आगरा तक कहीं गियर ही नहीं बदलना, बदलना है। लेकिन अभी आपसे कह दिया जाए डंडैया मार्केट में गाड़ी निकालो, तब फिर कचना बिहारी मार्ग पे ले जाओ चलाओ, 100 बार क्लच ब्रेक दबाना पड़ेगा, 100 बार गियर लगाना पड़ेगा, सेकंड में चल सकती है गाड़ी। यहाँ पे हाफ क्लच पे, हाफ क्लच लेके हल्का सा जा सकते हो, फुल क्लच नहीं दबाना है ताकि गाड़ी एकदम खड़ी ना हो। अपना लेफ्ट दबा के रखो ताकि राइट से अगर कोई गाड़ी आए तो डिस्टर्ब ना करे। हमारी जो साइड है वो लेफ्ट है ना कि राइट है, ठीक है? अगर आप राइट में रखोगे तो क्या होगा, सामने से जो आएगा वो आपको हिट करेगा, फिर रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। जिस भी मोड़ पे निकालो वहां पे पहले से प्लानिंग करो। अब जब मैडम जा रही बीच रोड पे, इनको लॉन्ग हॉर्न पुश करके अलर्ट करो ताकि वहां पहुंचते पहुंचते रास्ता क्लियर हो जाए। हाँ अब देखिए ना ऐसे, तो अगर बिफोर प्लान करोगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर वहां जाके रोक के खड़े होना पड़ेगा। अब इस रोड की चौड़ाई क्या होगी, इस पक्के रोड की चौड़ाई क्या है? 15 फीट, ठीक। साइडों में गड्ढे हैं, टोटल 20 फीट, 20-25 फीट का ये रोड है, ठीक। अभी साइडों में पेड़ है, लोग आ जा रहे हैं, तो आपको कितना स्पेस मिल रहा है यहाँ? बहुत से बहुत 10 फीट, 10 फीट की जगह में आपको अपनी गाड़ी संभालनी है, और उसके लिए आपको प्लानिंग भी करनी है। सामने से देखो गाड़ी आ रही थी, ठीक है। तो ऐसे में क्या है ना, देखो पासिंग डिपर में क्या होता है, सामने एक पासिंग डिपर होता है, आप उसको यूज नहीं करते। ये देखो जब सामने से कोई भी गाड़ी, हल्के हाथों से इसको ऐसे उठाना है सिंगल रोड के लिए। जब इसको ऊपर उठाओगे तो क्या होगा कि सामने से जो गाड़ी आ रही उसके चेहरे पे लाइट पड़ेगी, वो अलर्ट हो जाएगा, फिर वहां पे क्या है ना वो थोड़ा सा कोऑपरेट करेगा, थोड़ी गाड़ी अपनी साइड दबा लेगा। अब जैसे टेम्पो आ रहा है, इसको एक बार, बस एक से दो बार मैक्सिमम, ज्यादा उसमें ताकत मत लगाना वरना वो डैमेज हो जाएगा, प्लास्टिक होता है। हाफ क्लच पे निकालो, यहाँ पे सेकंड गियर में भी गाड़ी हाफ क्लच पे गड्ढों में भी आराम से निकाली जा सकती है। वहां पे क्या होगा, जब हाफ ही क्लच आप छोड़ोगे तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट गाड़ी इंजन से फ्री हो जाती है, डायरेक्ट गाड़ी इंजन से फ्री हो जाती है। एक होता है कि आपको ब्रेक लगा के गाड़ी को धीमा करना है, एक है कि बिफोर प्लान, अगर पहले से प्लानिंग करते हो तो हाफ क्लच पे गाड़ी स्लो हो जाती बिना ब्रेक के, लेकिन उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती, लॉन्ग हॉर्न पुश करो। हाँ लॉन्ग, और अभी राइट साइड से जो गाड़ी आ रही है उनको थोड़ा ध्यान में रखना है। स्पीड बढ़ाओ धीरे से, हाँ लेफ्ट आओ प्यार से, हाँ जाने दो धीरे से, हाँ सब रोडों पे जिसने गाड़ी चला ली, कंट्रोल कर लिया बिना टच करे, तो समझ लो वो हर जगह डिवाइडर रोड पे चलाना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि बीच में डिवाइडर है, वहां से सामने से गाड़ी का खतरा नहीं होता है, एक ही साइड से रहता है भाई, पीछे से जो आएगा वो उसी से बचना है आपको,
लेकिन अगर सामने वाली ऐसे रोडों पे सामने वाला जो आ जाता है तो वो क्या करेगा भाई, हीट कर देता है, अगर जरा सा भी गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ गाड़ी टकरा जाएगी आपकी। मैंने अभी तक एक बार भी क्लच ब्रेक पे पैर नहीं रखा है, टच नहीं किया है, और अलर्ट हूं, ऐसा नहीं है कि हाँ 19-20 अगर कहीं डाउटफुल हो रहा है तो वहां मैं अलर्ट हूं कि गाड़ी में रोक लूंगा, लेकिन जरूरत इसलिए मुझे नहीं है क्योंकि मुझे सीखना नहीं है। देखो उसका हेलमेट गिर गया है, कई बार ऐसे में एकदम आ जाता है टायर के नीचे हेलमेट। बढ़ाओ धीरे से जाओ भाई, पहले वो कुत्ते ने तो उछल के पकड़ लिया। हाँ, ये पीछे वाला सवारी गिर गई। हाँ, रोड पर आ गया भाई का, तो कार थी हम चले, हमने साइड से काट लिया, लेफ्ट आउट का हम सीधा। ट्रैफिक कितना ज्यादा है यहाँ पे, ऐसे ट्रैफिक में गाड़ी निकालना है, दाएं भी देखना बाएं भी देखना, लोग कहीं से भी कूद के आ जाते हैं। ऐसे में ना 50 से 100 मीटर पहले आपको प्लानिंग करके चलना है, बिफोर प्लान करके चलना है पहले से ही। था लेफ्ट में, तो जब भी किसी चीज को ओवरटेक करोगे तो ओवरटेक करने के टाइम कम से कम 1.5 से 2 फीट का मार्जिन हमेशा लेके चलना है। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लॉन्ग हॉर्न पुश करो उसको, ये रिक्शे वाले को, हाँ, ताकि वो साइड दे। चलो धीरे धीरे हाफ क्लच पे बढ़ाओ गाड़ी। हाँ, जाने दो धीरे धीरे। देख रहे हो क्या कंजेस्टेड एरिया है, ऐसे में हाफ क्लच पे गाड़ी चलती है। लेफ्ट में कुछ लोग जा रहे हैं, इनको देखना है। राइट में बैठे हो तो राइट में अगर एक बार को नहीं भी देखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट वालों को बचाना जरूरी है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, उसका कुछ गिर गया। आज सभी का सामान गिर रहा है, किसी का हेलमेट गिर रहा है, उसका एक का बैग गिर गया था वहां पे, अभी उसका कुछ और गिर गया। ऐसे ट्रैफिक में जिसने कार चला लिया ना, एक बार भी मैंने अभी तक क्लच ब्रेक टच नहीं किया है। चलो निकालो, लेफ्ट आओ, चलो सीधा जाना है, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, राइट चलना माय डियर, जहाँ ये रिक्शा जा रहा है इसी के बगल से। देखो गाड़ी कितनी जबरदस्त कंट्रोल हो रही है। अब गियर पहला करो, हाँ जाओ हाफ क्लच पे, हाँ चलो लॉन्ग हॉर्न पुश करो, हाँ जाओ निकल गई, राइट दबाओ, राइट बस, चलो निकल गई। अब वो रिक्शे वाला है, वो सवारी ढूंढ रहा है, अब देखो जाने दो, बढ़ाओ धीरे धीरे। हाँ, चलते रहो धीरे धीरे। हाँ, ऐसे ट्रैफिक में गाड़ी चला ली, समझ लो हर जगह चला सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।